नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम सेट फोर्थ बी फाइनेंशियल प्लानिंग। तो फ्रेंड्स, प्रॉब्लम सेट फोर्थ ए अपलोड हो चुका है। ओके, प्रॉब्लम सेट यहां पर दो पार्ट बने हुए हैं, फोर्थ ए और फोर्थ बी। फोर्थ ए पूरी तरह से कम्प्लीट होकर अपलोड हो चुका है और अभी हम शुरू करने वाले फोर्थ बी। तो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब हो जाना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे वीडियो के सारे अपडेट और नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं प्रॉब्लम सेट फोर्थ बी और क्वेश्चन वन जो है वो है राइट द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना है। फर्स्ट है इफ द फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज 100 एंड मार्केट वैल्यू इज ₹75, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब देखिए, यहाँ पर जो फेस वैल्यू है, ओके, शेयर की फेस वैल्यू 100 रुपीज है और उसकी मार्केट वैल्यू कहा जा रहा है कि वो 75 है। तो मतलब मार्केट वैल्यू यहाँ पर फेस वैल्यू से कम है, मतलब शेयर यहाँ पर डिस्काउंट में है। कितने रुपीज के डिस्काउंट में है? तो 100 में से अगर 75 हम माइनस करें तो आता है 25। तो 25 ये रुपीज डिस्काउंट पर है। देखिए यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा? द शेयर इज एट पार ऑफ ₹175, बिल्कुल भी नहीं, पार तो है नहीं, वो डिस्काउंट में है। द शेयर इज एट डिस्काउंट ऑफ ₹25, तो शेयर जो है वो 25 रुपीज के डिस्काउंट पर है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद देखिए सेकंड, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिविडेंड रिसीव्ड पर शेयर ऑफ फेस वैल्यू ₹10 एंड द डिविडेंड डिक्लेयर इज 50%। अब देखिए यहां पर क्या कहा जा रहा है कि कितना अमाउंट, ओके, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिविडेंड रिसीव, कितना अमाउंट डिविडेंड यहां पर मिलेगा अगर शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपीज है और डिविडेंड हमें 50% मिल रहा है। तो 10 रुपीज का 50% कितना हो जाएगा, मतलब 10 रुपीज का हाफ कितना हो जाएगा, 5 रुपीज। तो ये आ गया भाई ऑप्शन बी, यहां पर ये करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद थर्ड देखिए, द नेट असेस्ड वैल्यू ऑफ यूनिट इन म्यूचुअल फंड स्कीम इज 10.65, ओके, देन फाइंड द अमाउंट रिक्वायर्ड बाय 500 सच यूनिट। अब देखिए, नेट असेस्ड वैल्यू जो म्यूचुअल फंड की जो नेट असेस्ड वैल्यू है स्कीम की, उसमें उसकी जो स्कीम की म्यूचुअल फंड की जो स्कीम है वो है एक शेयर की, एक फंड की 10.65। अब यहां पर टोटल कितने शेयर्स खरीदने हैं, कितने फंड हमें खरीदने हैं, तो वो है 500 यूनिट यहां पर हमें बाय करना है। ओके, टोटल 500 यूनिट यहां पर हमें बाय करना है और एक यूनिट की वैल्यू है 10.65। तो यहां पर हम सिंपली क्या करेंगे, 500 मल्टीप्लाई बाय 10.65 कर दीजिए। तो इसके लिए जो आंसर आएगा वो होगा ये ऑप्शन ए, यहां पर करेक्ट आंसर होने वाला है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखिए, रेट ऑफ जीएसटी ऑन ब्रोकरेज इज, ब्रोकरेज पर जीएसटी का रेट कितना परसेंट होता है? तो ब्रोकरेज पर जीएसटी लगता है 18%, तो यहां पर आ जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद देखिए, टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन शेयर एट द टाइम ऑफ बाइंग द अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज एंड जीएसटी इज टू बी ब्लैंक द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। तो जब हम शेयर्स को खरीदते हैं, ओके, टू फाइंड कॉस्ट ऑफ वन शेयर एट अ टाइम ऑफ बाइंग, जब शेयर्स को खरीदा जाता है तो खरीदते समय ब्रोकरेज जो होता है और जीएसटी जो होता है ये मार्केट वैल्यू के साथ ऐड होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, मल्टीप्लाई होता है या डिवाइड होता है। तो ये जो मार्केट वैल्यू के साथ जब हम शेयर्स को खरीदते हैं तो खरीदते समय हमें ब्रोकरेज भी देना होता है और जीएसटी भी देना होता है, तो ये ऐड हो जाएगा उसमें। ओके, अब नेक्स्ट वैल्यू क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेकंड देखिए,
लिखा है फाइंड द परचेस प्राइस ऑफ शेयर ऑफ फेस वैल्यू 100 इफ इट इज एट प्रीमियम ₹30 देन ब्रोकरेज रेट 0.3%। ओके, हमें क्या क्या कहा गया है देखिए, परचेस हमें परचेस प्राइस यहां पर फाइंड आउट करना है, शेयर की फेस वैल्यू ₹100 है और शेयर अभी प्रीमियम पर है, ₹30 प्रीमियम पर चल रहे शेयर। ओके, और साथ में ब्रोकरेज जो है वो 0.3% यहां पर देना है, तो हमें फाइंड आउट करना है कि टोटल शेयर कितने के होंगे। ओके, तो थोड़ा इंक चेंज कर लिया हम यहां पर, देखिए फेस वैल्यू ऑफ शेयर लिखेंगे, फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज 100, शेयर एट प्रीमियम, शेयर एट प्रीमियम ऑफ ₹30, शेयर जो है वो प्रीमियम पर है, ₹30 प्रीमियम पर, तो मार्केट वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगी, मार्केट वैल्यू इज इक्वल्स टू फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। तो देखिए फेस वैल्यू कितनी है भाई, ₹100 और प्रीमियम है 30, तो मार्केट वैल्यू हो जाएगा ₹130। ओके, ये हो गई मार्केट वैल्यू एक शेयर की। ओके, अब यहां पर जो देखिए, यहां पर देखिए हमें क्या पूछा है, हमें ये बोला है कि ब्रोकरेज रेट जो है वो 0.3% लगने वाला है, तो यहां पे लिखेंगे टोटल जो परचेस प्राइस है वो हमें निकालना, तो लिखेंगे परचेस प्राइस इज इक्वल टू, परचेस प्राइस मतलब क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए मार्केट वैल्यू प्लस 0.3% ऑफ मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू और मार्केट वैल्यू पर लगने वाला 0.3% ब्रोकरेज। ओके, तो यहां पर हम क्या कर देते भाई, यहां हम लिखते थे मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज, ओके, तो मार्केट वैल्यू है 130 और ब्रोकरेज है 0.3% ऑफ 130। ओके, तो यहां देखिए ये हो जाएगा 130 एज इट इज, 0.3 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 130। ओके, देखिए जीरो से जीरो कैंसिल। ओके, और यहां पर 10 से 13 को हम कैंसिल करें तो आएगा 1.3। अब देखिए ये हो जाएगा 130 प्लस 0.3 इंटू 1.3, 13 थ्रीजा होता है 39, 13 थ्रीजा होता है 39, साथ में ये जीरो है तो जीरो आगे लग जाएगा। अब पॉइंट यहां पर देखिए, इधर भी है इधर भी है, दो डिजिट के बाद पॉइंट लगा दीजिए। ओके, तो ये हो जाएगा भाई ₹130.39। ओके, तो ये हो जाएगा परचेस प्राइस, यहां हम लिख लेंगे परचेस प्राइस इज इक्वल टू इतनी रुपीज हो जाएंगे। ओके, इसे थोड़ा हम बॉक्स में डाल दें, सॉरी ये आ गया आपका आंसर। ओके, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन है, प्रशांत बॉट 50 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹100। प्रशांत ने 50 शेयर खरीदे जिसकी फेस वैल्यू ₹100 है और मार्केट वैल्यू ₹180 है। ओके, देखिए प्रशांत बॉट 50 शेयर्स, कितने शेयर्स खरीदे उन्होंने, 50 शेयर खरीदे, पर शेयर की फेस वैल्यू ₹100 है, तो ₹100 के हिसाब से तो उन्हें नहीं मिलने वाला है, उन्हें किस हिसाब से मिलेगा,
मार्केट वैल्यू के हिसाब से, मार्केट वैल्यू कितनी है 180 रुपीज। अब कंपनी गिव 40% डिविडेंड ऑन शेयर, अब शेयर पर कंपनी उन्हें 40% डिविडेंड देती है, तो फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो उन्होंने जितना पैसा खर्च किया, खर्च करने के बाद उन्हें साल भर के बाद जो भी डिविडेंड वापस मिला वो कितना परसेंट, उन्हें इन्वेस्ट अमाउंट का कितना परसेंट उन्हें मिला, वो हमें यहां पर फाइंड आउट करना है। ओके, तो यहां लिखेंगे सॉल्यूशन। क्या हमें दिया हुआ है भाई, नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर कितने हैं 50। ओके, साथ में फेस वैल्यू, फेस वैल्यू कितना है 100 रुपीज, और मार्केट वैल्यू भी हमें दिया हुआ, मार्केट वैल्यू इज 180 रुपीज। ओके, और डिविडेंड परसेंट यहां पर लिख ले भाई, डिविडेंड इज इक्वल्स टू 40%। ओके, अब डिविडेंड किस पर मिलता है, ये फेस वैल्यू पर मिलता है, इस बात को हमें ध्यान में रखना है। ओके, अब यहां पर देखिए उन्होंने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है वो हमें लिखना है, तो लिखेंगे सम इन्वेस्टेड, सम इन्वेस्टेड इज इक्वल्स टू, अब यहां पर देखिए मार्केट वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर। ओके, तो देखिए भाई मार्केट वैल्यू क्या है 180 रुपीज, और कितने शेयर इन्होंने खरीदे, इन्होंने खरीदे हैं 50 शेयर। ओके, तो 18 फायदा होता है 90, यहां से एक जीरो और यहां से एक जीरो, तो ये आ गया 9000। तो उन्होंने जो सम इन्वेस्टेड किया है, सम इन्वेस्टेड किया उन्होंने 90000। ओके, अब आगे देखिए, ये तो हो गया सम इन्वेस्टेड, मतलब इन्होंने इतना रुपया पूरा मिला के इन्वेस्ट किया है, डिविडेंड कितना मिलता है 40%, लिखेंगे ही रिसीव 40% डिविडेंड। ओके, 40% उन्हें डिविडेंड मिला, डिविडेंड किस पर मिलता है ऑन फेस वैल्यू। ओके, तो फेस वैल्यू पर उन्हें 40% डिविडेंड मिला है, तो यहां पर देखिए हम क्या करेंगे, डिविडेंड एट वन शेयर यहां पर हम निकालेंगे, डिविडेंड एट वन शेयर, एक शेयर पर डिविडेंड निकाल लीजिए, सबसे पहले आसान हो जाता है। तो एक शेयर पे डिविडेंड, तो यहां पर देखिए 40% कितने में से 100% में से। ओके, और शेयर्स कितने थे यहां पर 100। ओके, मतलब यहां पर देखिए फेस वैल्यू जो थी शेयर की वो थी 100 रुपीज, तो ये देखिए यहां पर देखिए ये कितना है, ये 40% और ये 100%। ओके, ये दोनों परसेंट है, और ये जो है एक शेयर की वैल्यू है, तो 100 में से 100 कैंसिल, तो देखिए वन शेयर पर डिविडेंड एट वन शेयर इज रुपीज 40। तो यहां पर लिखिए डिविडेंड एट वन शेयर इज रुपीज 40, एक शेयर पर उन्हें 40 रुपीज डिविडेंड मिला है। ओके, इन्हें भी मैं बॉक्स में डाल दूं, एक शेयर पर 40 रुपीज डिविडेंड मिला है। अब हमें क्या करना है, पूरे शेयर्स पर कितना डिविडेंड मिला वो हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो लिखेंगे डिविडेंड ऑन 50 शेयर्स, डिविडेंड ऑन 50 शेयर। ओके, थोड़ा इसका मैं पार्टीशन कर लूं, 50 शेयर पर उन्हें कितना डिविडेंड मिलने वाला है, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 50 मल्टीप्लाई बाय हम 40 यहां कर देंगे, तो 50 शेयर्स और एक शेयर पर मिलने वाला डिविडेंड है 40, तो ये आ गया टोटल 2000। ओके, अब हमें क्या करना है, रेट। ओके, रेट ऑफ, यहां पर हमें क्या पूछा है, फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न, तो यहां लिखेंगे रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न,
तो रेट ऑफ रिटर्न क्या हो जाएगा कि भाई उन्होंने उन्हें डिविडेंड कितना मिला, डिविडेंड डिविडेंड अपॉन सम इन्वेस्टेड, सम इन्वेस्टेड ओके इनटू यहां पर आ जाएगा भाई 100। समझ में आया ये कैसे होता है? देखो ये परसेंट निकालना है हमें, तो सम सम इन्वेस्टेड इतना पैसा उन्होंने खर्च किया, इतना उन्हें मिला, और परसेंट निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए ओके। तो देखिए ये हो जाएगा, डिविडेंड है 2000 और सम इन्वेस्टेड है 9000 मल्टीप्लाई बाय यहां पर आ गया 100, तो ये हो जाएगा 30 से ये 0 कैंसल कंप्लीटली ओके। अब यहां पर ये आ गया 200 डिवाइड बाय 9, इससे आप इसको डिवाइड कर ले तो ये आंसर आ जाता है 22.2% ओके। तो उन्हें जो रेट ऑफ रिटर्न मिला है, रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल्स टू 22.2%, तो ये है हमारा आंसर ओके। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था। आई होप दैट ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा, थर्ड क्वेश्चन था। आइए फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, देख लीजिए एक बार। थर्ड क्वेश्चन इस तरह से है और स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, वैसे भी आपको इसके पीडीएफ फॉर्मेट मिल जाने वाली है, क्योंकि हर बार डिस्क्रिप्शन में आपको सभी सॉल्व किए क्वेश्चन की पीडीएफ फॉर्मेट मिल जाएगी। जिस क्वेश्चन की पीडीएफ फॉर्मेट हम नहीं दे पाएंगे उसके लिए हम बताएंगे कि आप उसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ऐसे क्वेश्चन वही होंगे जिसे हमें ड्रॉ करना होगा ओके, या फिर हमें जिसके लिए बोर्ड का सहारा लेना होगा। आइए फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड द अमाउंट रिसीव व्हेन 300 शेयर ऑफ फेस वैल्यू 100 वेयर सोल्ड एट डिस्काउंट ऑफ 30। देखिए हमें क्या करना है, अमाउंट रिसीव कितना अमाउंट मिला वो हमें फाइंड आउट करना है, पर कब, व्हेन 300 शेयर ऑफ फेस वैल्यू रुपीज 100, जिसकी फेस वैल्यू 100 रुपए है, ऐसे 300 शेयर जब सेल किए जाए वो भी डिस्काउंट पर, कितना 30 रुपीज डिस्काउंट पर ओके, तो कितना अमाउंट वापस मिलेगा। तो यहां पर लिख लीजिए सॉल्यूशंस, सिंपल है, क्या करेंगे, नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर कितना है भाई, नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल्स टू 300 ओके। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू कितना है, फेस वैल्यू है 100 रुपीज, शेयर जो है शेयर एट डिस्काउंट लिखेंगे, शेयर एट डिस्काउंट रुपीज 30, ये हो गया शेयर जो है ये 30 रुपीज के डिस्काउंट पर है। तो मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगी, मार्केट वैल्यू इज इक्वल्स टू, मार्केट वैल्यू जो है एक शेयर की, मार्केट वैल्यू इज इक्वल्स टू 100 माइनस 30, तो ये हो जाएगा भाई मार्केट वैल्यू यहां पर मिल जाती है रुपीज 70, ये आ गई एक शेयर की मार्केट वैल्यू 70 रुपीज ओके। एक शेयर की मार्केट वैल्यू कितनी हो गई 70 रुपीज। अब ऐसे कितने शेयर है, टोटल शेयर है 300 रुपीज, तो अब हम निकालेंगे अमाउंट रिसीव्ड, तो लिखेंगे अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट रिसीव्ड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई, मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर ओके। तो देखिए मार्केट वैल्यू कितनी है, मार्केट वैल्यू है 70 रुपीज और नंबर ऑफ शेयर कितने हैं 300 ओके। तो 7 3 जा ये आ गया 21 और 0 यहां से और यहां से ये 2 0, मतलब ये 21,000 हो जाएगा अमाउंट रिसीव, अमाउंट रिसीव ओके। तो बस यही हमारा आंसर था।
इस तरह से क्वेश्चन करना था, सिंपल है। ओके आइए फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ शेयर रिसीव व्हेन 60,000 वाज इन्वेस्टेड इन द शेयर ऑफ फेस वैल्यू रुपीज 100 एंड मार्केट वैल्यू रुपीज 120। अब यहां देखिए सिंपल है, हमें क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ शेयर, यहां पर कितने शेयर खरीदे जा सकते हैं वो हमें फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ शेयर हमें फाइंड आउट करना है। ओके कब, व्हेन 60,000 वाज इन्वेस्टेड इन द शेयर ऑफ फेस वैल्यू 100 रुपीज मार्केट वैल्यू 120। तो देखिए 60,000 रुपए के शेयर खरीदे गए हैं, वो शेयर खरीदे गए हैं जिसकी फेस वैल्यू 100 रुपीज है और मार्केट वैल्यू 120 रुपीज। तो इस क्वेश्चन में हमें फेस वैल्यू का कुछ नहीं करना है, इस क्वेश्चन में हमें ध्यान देना है मार्केट वैल्यू पर, क्योंकि शेयर खरीदते समय मार्केट वैल्यू ध्यान में रखी जाती है। ओके तो यहां पे लिखेंगे सॉल्यूशन, देखिए भाई टोटल जो सम इन्वेस्टेड किया गया, कितना पैसा यहां पर इन्वेस्ट किया गया है। ओके तो लिखेंगे सम इन्वेस्टेड, ऐसा ही सम इन्वेस्टेड इज इक्वल्स टू कितना हो गया भाई यहां पे 60,000। ओके मार्केट वैल्यू जो है शेयर की, मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर कितनी है इज 120 रुपीज। तो टोटल पैसा यहां पर कितना, मतलब कितने शेयर खरीदे जा सकते हैं, तो यहां पर लिखेंगे नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल्स टू सम इन्वेस्टेड अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। ओके तो देखिए सम इन्वेस्टेड, कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया, टोटल 60,000 इन्वेस्ट किया गया। ओके और एक शेयर की वैल्यू कितनी है 120 रुपीज, तो जीरो से जीरो कैंसिल, 12 से 60 कैंसिल हो जाता है 5 टाइम, तो ये बच गया, ये 5 और ये 20, मतलब 500 टाइम में कैंसिल हो गया। इसका मतलब नंबर ऑफ शेयर रिसीव्ड, ओके रिसीव्ड इज इक्वल्स टू 500, बस इस तरह से इसे करना था, सिंपल है। ओके जब भी आप सॉल्व करते हैं आंसर को बॉक्स में लिखना जरूरी समझिए, क्योंकि ये प्रॉपर वे होता है लिखने का। ओके आइए अब इसके बाद करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। आइए फ्रेंड अब सिक्स्थ क्वेश्चन करते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, श्रीमती मीता अग्रवाल इन्वेस्टेड 10,200 व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर रुपीज 100। देखिए मीता अग्रवाल ने 10,200 रुपीज यहां पर स्पेंट किया है। ओके उन शेयर पर जिनकी मार्केट वैल्यू कितनी है 100 रुपीज है, ऐसे शेयर जिनकी मार्केट वैल्यू 100 रुपीज है उस शेयर को खरीदने के लिए उन्होंने 10,200 रुपए इन्वेस्ट कर दिए। अब 10,200 रुपीज में कितने शेयर उन्हें मिलेंगे वो हमें नहीं पता, तो जितने भी शेयर उन्हें मिले उसमें से शी सोल्ड 60 शेयर व्हेन द मार्केट वैल्यू वाज रुपीज 125। तो जब मार्केट वैल्यू 125 रुपए थी, 125 रुपीज थी, तब उन्होंने 60 शेयर बेच दिए और एंड रिमेनिंग शेयर एंड सोल्ड रिमेनिंग शेयर व्हेन मार्केट वैल्यू वाज रुपीज 90, और बचे हुए शेयर जो थे वो 90 रुपीज के हिसाब से उन्होंने बेच दिए। देखिए क्वेश्चन समझिए, मीता अग्रवाल ने 10,200 रुपए खर्च कर दिए 100 रुपए के शेयर, 100 रुपए वाले शेयर खरीदने के लिए। अब उन्होंने जितने भी शेयर खरीदे उसमें से 60 शेयर उन्होंने 125 रुपए के हिसाब से बेच दिए और बचे हुए शेयर उन्होंने 90 रुपीज के हिसाब से बेच दिए। ओके अब इन सभी में खरीदने से लेकर बेचने तक इन्हें ब्रोकरेज लगा है 0.1% हर स्टेज पर, हर ट्रेडिंग पर। ओके
हर ट्रेडिंग पर उन्होंने उन्हें क्या लगा है 0.1% ब्रोकरेज लगा है. देन फाइंड वेदर शी मेड प्रॉफिट और लॉस. तो हमें ये बताना है कि उन्हें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, और हुआ तो कितने का. ओके तो वो सिंपल ये क्वेश्चन है. आइए इसे सिंपली हम सॉल्व करने वाले हैं. लिखेंगे यहां पर सॉल्यूशन. तो देखिए मीता अग्रवाल इन्वेस्टेड, लिखेंगे सम इन्वेस्टेड यहां पर, या फिर मीता अग्रवाल इन्वेस्टेड रुपीज 10,200. ओके अब मार्केट वैल्यू जो है, मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर इज 100 रुपीज, है ना. तो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इज रुपीज 100. ओके तो उन्होंने कितने शेयर खरीदे वो सबसे पहले निकालेंगे. तो टोटल शेयर लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ शेयर, उन्होंने कितना शेयर खरीदा वो यहां पर हमें पता करना है. तो उसके लिए क्या करेंगे, 10,200 को 100 से डिवाइड कर देंगे. तो 100 से 20 कैंसिल, तो नंबर ऑफ शेयर हमें यहां पर मिल चुका है. नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल्स टू 102. 102 शेयर उन्होंने खरीदा है. ओके 102 शेयर, शी परचेस 102 शेयर, 102 शेयर उन्होंने खरीद लिया है. अब इस शेयर्स को खरीदने के लिए उन्हें 0.1% ब्रोकरेज भी तो देना पड़ा. तो उन्होंने टोटल पैसा कितना इन्वेस्ट किया अब वो निकालेंगे. ओके तो सम इन्वेस्टेड लिखेंगे यहां पर भाई, सम इन्वेस्टेड इज इक्वल्स टू, यहां पर देखिए 10,200 ये हो गया प्लस ब्रोकरेज. तो 10,200 और ब्रोकरेज आ गया 0.1% ऑफ 10,200. ओके तो ये 10,200 एज इट इज प्लस 0.1% ऑफ ब्रोकरेज, मतलब 0.1 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 10,200. 20 से ये 20 कैंसिल. यहां पर देखिए थोड़ा ऊपर कर ले भाई इसे, ये हो जाएगा 10,200 प्लस. अब यहां पे देखिए 0.1 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे. ओके तो ये आ जाएगा 10.2. ओके 10.2 मतलब 20. ओके तो 10 रुपए 20 पैसे ऐसा ये हो जाएगा. इसको ऐड कर दीजिए तो ये आ जाएगा 10,200 में 10 ऐड हो गया तो 210.20 रुपीज. ओके इतना ये टोटल इन्वेस्टेड है. तो यहां हम लिख लेंगे भाई ये रहा सम इन्वेस्टेड, इसे भी हम बॉक्स में डाल देते हैं. अब देखिए शी सोल्ड 60 शेयर एट रुपीज ऑफ 125. अब देखिए 125 रुपए के हिसाब से उन्होंने 60 शेयर, देखिए शी सोल्ड 60 शेयर व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ रुपीज 125. 125 रुपए के हिसाब से उन्होंने 60 शेयर सेल कर दिए. तो यहां लिखेंगे She sold 60 share at rupees 125. ओके तो ये करने के बाद उन्हें कितना अमाउंट मिला. ओके तो टोटल यहां पे अमाउंट क्या हो जाएगा, टोटल अमाउंट हो जाएगा 125 मल्टीप्लाई बाय 60. ओके तो यहां पर 125 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो ये हो जाएगा 750 और साथ में ये एक जीरो, तो ये हो गया टोटल अमाउंट.
टोटल अमाउंट, पर अभी हमें निकालना है कि अमाउंट रिसीव्ड, क्योंकि उसे शेयर बेचने के लिए भी वापस ब्रोकरेज के पास जाना पड़ेगा, तो ब्रोकरेज देने पड़ेंगे 0.1%। तो यहां पे लिखेंगे रिसीव्ड अमाउंट, रिसीव्ड अमाउंट कितना होगा भाई, 7500। अब यहां पर पैसा लेते समय, बेचते समय ब्रोकरेज यहां माइनस हो जाता है, तो माइनस ब्रोकरेज। ओके, तो ये हो गया 7500 माइनस ब्रोकरेज कितना है, 0.1% ऑफ 7500, ये हो जाएगा ब्रोकरेज। ओके, तो अब यहां पर देखिए, ये आ जाएगा 7500 माइनस, यहां लिखेंगे 0.1, इसका परसेंट निकालना है, अब डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 7500। देखिए ये जीरो से जीरो कैंसिल, ये आ जाएगा 7500 माइनस 0.1 मल्टीप्लाई बाय 7.5 करेंगे तो ये आ जाएगा 7.5। ओके, अब 7500 में से 7.5 को माइनस करना है, तो देखिए 100 में से 7 को माइनस करें तो आ जाएगा 93 और 0.5 है तो 92.5, मतलब ये आ जाएगा 7492.50। ओके, इतना रुपीस इसे मिलेगा। तो ये हो गया रिसीव्ड अमाउंट, ये हो गया रिसीव्ड अमाउंट जब उन्होंने 60 शेयर बेचे, तो यहां लिखेंगे रिसीव्ड अमाउंट, रिसीव्ड अमाउंट। ओके, तो इसे मैं बॉक्स में डाल दूं। आइए अब देखते हैं कि उन्होंने यहां पर, देखिए ये तो हो गया पहला रिसीव्ड अमाउंट, उसके बाद उन्होंने बचे हुए शेयर्स जो थे वो 90 रुपीस के हिसाब से बेच दिए, तो लिखेंगे शी सोल्ड 90 के हिसाब से उन्होंने बचे हुए शेयर्स बेच दिए। अब रिमेनिंग शेयर्स कैसे पता करेंगे, तो लिखेंगे रिमेनिंग शेयर मतलब क्या हो जाएगा भाई, कितने टोटल शेयर कितने थे, 102, इसके पहले कितने शेयर उन्होंने बेचे, 60, तो 102 में से 60 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 100 में से 60 गए 40 और ये आएगा 42। ओके, तो ये आ गया रिमेनिंग शेयर कितने हो गए, 42। अब 42 शेयर उन्होंने किस रुपए के हिसाब से बेच दिया, उन्होंने बेचा 90 रुपीज के हिसाब से, है ना, तो लिखेंगे टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा भाई, शेयर, देखिए परचेस जो सेलिंग प्राइस थी 90 मल्टीप्लाई बाय शेयर्स कितने थे 42। ओके, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां पर ये हमें वैल्यू मिल जाती है 3780 रुपीज। ओके, तो ये है टोटल अमाउंट। अब उन्हें अमाउंट रिसीव कितना मिला वो तो हमें पता करना हुआ, क्यों, क्योंकि यहां पर बेचने के लिए भी ब्रोकरेज देना है 0.1%, तो लिखेंगे रिसीव्ड अमाउंट, रिसीव्ड अमाउंट इज इक्वल्स टू 3780 माइनस ब्रोकरेज, ब्रोकरेज यहां माइनस हो जाएगा तो 3780 ऐसा ही लिख देंगे। ब्रोकरेज कितना है, 0.1% ऑफ 3780, सो 3780 माइनस 0.1 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 3780। देखिए जीरो से जीरो कैंसिल, अब 10 से अगर 378 को अगर हम डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 37.8। ओके, तो यहां हम लिख दे 3780 माइनस 0.1 मल्टीप्लाई बाय 37.8। ओके, ये
कैसे आया 10 से जब हमने 378 या फिर 100 से हमने 3780 को डिवाइड करने पर ये आंसर आ गया। ओके 8 या 80 आप 80 पैसा लिख दीजिए इसे, ओके क्योंकि ये पैसा है। हाँ अब यहाँ पे क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 3780। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पर भी पॉइंट है, यहाँ पर भी पॉइंट, पॉइंट एक डिजिट आगे और आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 3.78। ओके ये हो जाएगा, इनका इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर हमें ये आंसर मिलेगा। ओके अब इसमें से हम इसे माइनस कर दे तो यहाँ पर माइनस करने पर हमें मिल जाता है 76.22 रुपीज। ओके ये हो गया रिसीव्ड अमाउंट, यहां पर हम लिख दे रिसीव्ड अमाउंट, इसे भी हम बॉक्स में फ्रेम कर ले भाई, ये आ गया रिसीव्ड अमाउंट। अब ये तो रिसीव्ड अमाउंट था, टोटल अमाउंट उसे कितना मिला वो हमें नहीं पता है तो पूरा मिला के कितना अमाउंट मिला वो हम यहां पर बताएंगे। तो लिखेंगे यहां पर सबसे पहले टोटल रिसीव लिखेंगे, टोटल रिसीव्ड अमाउंट। टोटल रिसीव्ड अमाउंट क्या हो जाएगा, पहला वाला अमाउंट कितना है भाई, यहां पर देखिए पहला वाला अमाउंट उसे कितना मिला 7400, या देखिए 7492.5 रुपीज प्लस बचे हुए शेयर बेचने पर उसे कितना मिला वो यहां लिख लेंगे जो है 3776.22। इन दोनों को ऐड कर दीजिए। ओके तो टोटल रिसीव्ड अमाउंट यहां पर हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करने पर ये टोटल अमाउंट हो जाता है 11268.72 रुपीज। ओके ये आ गया टोटल रिसीव्ड अमाउंट, इन दोनों को ऐड करने पर ये अमाउंट हमें मिलेगा। अब देखिए उसने स्टार्टिंग में कितना पैसा इन्वेस्ट किया था, सम इन्वेस्टेड 10,210.20 पैसा, और मिला कितना कुल मिला के यहां पर देखिए 11,000, 10,210 रुपए इन्वेस्ट किया था, 11,268 रुपए यहां पर मिल गया तो उसे यहां पर फायदा ही हुआ है। तो यहां पर लिखेंगे शी मेड प्रॉफिट, लिखेंगे यहां पर भाई शी मेड। ओके इस यहां पर ट्रेडिंग में उसे प्रॉफिट हुआ है, अब कितना प्रॉफिट हुआ है वो हमें बताना है। ओके तो प्रॉफिट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट, तो यहां देखिए लिखेंगे 11,268.72 माइनस करेंगे 10,210.20, क्या लिखेंगे 10,210.20 रुपीज, यही अमाउंट है, एक बार चेक कर ले, देखिए 10,210.20 रुपीज। इसमें से हम इसे माइनस कर दे तो माइनस करने पर हमें मिल जाता है प्रॉफिट, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 1058.52 रुपीज। ओके तो ये है उसका प्रॉफिट, इतना प्रॉफिट उसे इस ट्रेडिंग में हुआ है। देखिए स्टूडेंट्स थोड़ा सा ये लंबा क्वेश्चन है, समझाने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि आपको समझाते हुए बताना पड़ता है। ओके तो इस तरह से इसे करना था, सिंपल ये क्वेश्चन था। हमने क्या किया, सबसे पहले कि भाई उन्होंने 10,200 रुपए इन्वेस्ट किए तो उसमें से कितने शेयर वो खरीदेंगे, सबसे पहले हमने नंबर ऑफ शेयर पता कर लिए, उसके बाद नंबर ऑफ शेयर पता करने के बाद उन्होंने कितना पैसा इन्वेस्ट किया वो हमने पता कर लिया।
ओके उन्होंने जो पैसा इन्वेस्ट किया है ओके 10,200 रुपए तो उन्होंने खर्च किए शेयर खरीदने के लिए, पर उन्हें इसके लिए ब्रोकरेज भी देना पड़ा। क्या देना पड़ा? ब्रोकरेज भी देना पड़ा। तो ब्रोकरेज के साथ उन्हें इतना पैसा सम इन्वेस्ट किया, उसके बाद कुछ शेयर इतने रुपए में बेच दिए और कुछ शेयर इतने रुपए में बेच दिए, बेचते समय इतने रुपए उन्हें देना पड़ा। तो टोटल कितने रुपए बेचने के बाद उन्हें मिले उससे उसको उससे हमने माइनस कर दिया कितने रुपए उन्होंने इन्वेस्ट किए, और यहां पर हमें डिफरेंस अमाउंट मिल गया, तो वो डिफरेंस अमाउंट ही इसका प्रॉफिट था। तो बस इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था, और इसी क्वेश्चन के साथ हम यहाँ पर इस वीडियो में रुकते हैं। ओके अगले क्वेश्चन जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए स्टूडेंट पॉइंट अकेडमी। और हाँ PDF फाइल जो है इसकी वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहां से डाउनलोड कर दीजिए। और दोस्तों अगर PDF फाइल में जब भी आप PDF को पढ़ते हैं उसका जब रिवीजन करते हैं तो किसी भी चीज की अगर कोई भी तकलीफ हो आपको तो बस PDF फाइल पर एक क्लिक कर देना, आप सीधा इस वीडियो पर वापस आ जाएंगे। ये एक बहुत अच्छी फैसिलिटीज हमने आपके लिए लाई है। ओके तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।